बुलंदशहर पुलिस से नाराज परिजन 18 घंटे बाद भी अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। परिजनों ने आयुषी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिजनों ने कल ही पुलिस को चेतावनी दे दी थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी वो अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो आपको याद होगा कि बुलंदशहर लाया गया था नाबालिग का शव नोएडा से, और अपहरण के बाद यहाँ दादरी में से छात्रा का शव मिला था। तो अब परिजन नाराज है, उनका कहना है कि जब तक उनकी बच्ची के कातिलों को पकड़ा नहीं जाता वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और अपनी इस बात पर परिजन फिलहाल अड़े हुए हैं। तो इस छात्रा का अपहरण हुआ था, बच्ची की साइकिल, उसका स्कूल बैग और उसकी चप्पल मिले थे, लेकिन पुलिस दूसरी ही थ्योरी मानकर चल रही थी, जिससे लापरवाही पुलिस शुरू से करती नजर आई और नतीजा ये हुआ है कि बच्ची की जान चली गई है। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कपिल, क्या कुछ परिजन कह रहे हैं, क्योंकि कल से शव मिला है अभी तक संस्कार नहीं हो पाया बच्ची का अंतिम, तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो साफ ये कह रहे हैं कि हमने टीम गठित कर दी है और जल्दी ही इसमें जो गिरफ्तार जो मुलजिम है उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो पाएगी, लेकिन ये गिरफ्तारी अभी प्रीति कब तक हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि परिजन जो मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी 18 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और परिजनों ने कल भी ये कह दिया था कि हम अपनी बेटी का जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक कि वो जो मुलजिम है जो जिन्होंने अपहरण और मेरी बेटी की हत्या की है वो गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं। और अभी 18 घंटे के बाद भी परिजन इस पूरी मांग पर अड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कितना भी वक्त हो जाए हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि हमारी जो बेटी के जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है बदमाशों ने वो गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं। प्रीति, चलिए शुक्रिया कपिल आपका जानकारी के लिए। तो परिजन अड़े हुए हैं, अपनी ही बात पर कायम है कि पहले उनकी बेटी के हत्यारों को पकड़ा जाए तभी बेटी